एक बार पुनः मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिटिक्स। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो पार्ट थर्ड का लेक्चर है, और पार्ट थर्ड का लेक्चर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिलेंडर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को जो है, कुछ लोगों को तो फॉर्मूला तो पता है लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज में बताऊंगा कि कहाँ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड से आपको फंस जाता है ना, कैसे क्या करना है। तो उसको आप कम्प्लीटली देखो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ दिया गया कर्व्ड सरफेस एरिया अपर राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। और यहाँ जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस जो है वो 0.7 मीटर है। यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ 0.7 मीटर। और आपको क्या पता करना है, उसकी हाइट पता करनी। तो सबसे पहले एक काम करो, मैं भी एक काम करता हूँ, डस्टर ले लेता हूँ। डस्टर तो मैंने लिया नहीं, चलिए देखिए इसको। सबसे पहले एक काम करते हैं कि सिलेंडर, हम लोग सिलेंडर का डायग्राम भी बना लेते हैं। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसा कि दिया गया इसमें कि बेस का रेडियस 0.7 मीटर, यहां पे आप बना लीजिए। देखो ये बेस है, यही चीज तो बेस है, समझना आप आपको। और ये जो हिस्सा जो दिख रहा है यही है CSA, जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो यहां पे जो बेस का जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 0.7 मीटर। अब इसमें h पता ही नहीं है आपको, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो अब यहां पे आपको समझना होगा कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा था भाई देखो फॉर्मूला रटा मत करो, भाई रटोगे कब तक, जब रटोगे तो भूलोगे जरूर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला बनाना भी सीख लो। तो इसीलिए मैंने पार्ट वन और पार्ट टू की जो वीडियो जो है केवल इसी पे मैंने बनाई है कि आप पहले फॉर्मूला बनाना सीख लो, तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। चलिए देखिए इसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आप CSA ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRH होता है, 2πRH, भूलना मत। अब यहां पे भी ध्यान रखना कि जो पाई है एक इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, इंडिकेट करता रहा मैं। जो पाई की वैल्यू जो है या तो 22/7 लिखते हैं या लिखते हैं 3.14 लिखते हैं, समथिंग लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यू तब लिखना जब उसमें क्वेश्चन में दिया जाए, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो हम लोग जो है 22/7 का ही यूज करेंगे। तो जैसा कि यहां दिया गया CSA, तो CSA देखो दिया गया इसमें क्या, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहां पे लोग क्या करेंगे, 4.4 मीटर स्क्वायर ऐसे रख लेंगे, इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया गया है 0.7 मीटर, और h हमें पता नहीं है। तब अब यहां देखो क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 44/10 लिख सकते हो। अब यहां पे क्या हुआ, 44/7, देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 मत करना भाई, देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में ही होता है, यहां 2 जो है न्यूमरेटर है, नहीं समझ आ रहा तो इसको देखो यहां से कर लो, दिक्कत नहीं होगी। तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में गया तो 44 हुआ। अब यहां देखो जो 0.7 है इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम 7/10 भी लिख सकते हो। अब यहां मीटर जरूर लगाना h। अब एक चीज आप देख लो कि यहां 7 और सॉरी एक चीज तो है, पहले आप कैंसिल भी कर सकते हो, यहां पे 7 को 7 को कैंसिल कर लो आप, क्योंकि जब देख रहे हो कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू जब सेम जैसी होती है तो कैंसिल आउट जाती है। अब यहां पे क्या करो, ये देखो ये 10 किससे कनेक्टेड है, डिवाइडेशन है, डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। तो याद रखना कि जब इसको तुम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर के जाओगे ना,
तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना 44 मीटर स्क्वायर इंटू 10, ऐसे करना। और यहाँ 44 जो है न्यूमरेटर में है, लेकिन जब इधर लेकर क्या होगा, तो इधर लेके आने का मतलब क्या हुआ, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाने के बारे में बात हो रही है, तो जब इधर लाओगे तो इधर आ जाएगा क्या होगा, अब याद रखना 10 तो ऑलरेडी यहाँ था ही, यहाँ पे 44 नीचे आ जाएगा, गॉट इट, इस समझ आ रहा होगा। और ये ध्यान रखना कि मीटर है यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मीटर भी नीचे आएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू एच। अब इसमें कुछ चीजें जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, क्या 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 कैंसिल होंगी देखो, यहाँ पे 44 और 44 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये मत समझना भाई सब चीजें कैंसिल हो गई तो कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो लिख दिया जाएगा, ऐसी गलती मत करना। आखिर देखो 44 ये 44 इस 44 से कितनी बार में डिवाइड होगा, वन टाइम में डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे वन लिख दो। और यह 10 इस 10 को डिवाइड करेगा कितनी बार में, वन टाइम में डिवाइड किया, तो यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ है, तो अब मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे देख रहे हो कि नीचे भी मीटर है, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा h इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी जो सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट आएगा वो 1 मीटर आएगा। अब आपको बताना होगा कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, तो प्लीज वीडियो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करिए। पसंद आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत। और इस मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको तथा आपके सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से। बाय, मिलते हैं।